सरकार की ब्रांडिंग को लेकर एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर सरकार की ओर से दी गई है। तो देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी को लेकर यह बड़ी जिम्मेदारी आईपीएस मयंक श्रीवास्तव को दी गई है। जनसंपर्क विभाग की कमान उनको सौंपी गई है। इससे पहले अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं एसडीआरएफ के निदेशक की जिम्मेदारी भी मयंक श्रीवास्तव संभाल चुके हैं। हमारी संवाददाता नेहा केशरवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। नेहा, दूसरी बार ऐसा है जब आईपीएस को जनसंपर्क जैसे विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रिजल्ट देने वाले अफसरों में गिनती होती रही है मयंक श्रीवास्तव की। नेहा, बिल्कुल, जिस तरीके से एक आईपीएस को जो है जनसंपर्क की जो कमान है वो सौंपी गई है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो विभाग होता है सरकार की ब्रांडिंग को लेकर के जो नए कामकाज जो है वो अब यहाँ पर शुरू करेंगे। हालांकि जो ये बदलाव का दौर है, जो बदलाव अभी लगातार देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो आईएएस के ट्रांसफर्स हों, चाहे नए कलेक्टरों की नियुक्ति हो, चाहे आईपीएस की जो नियुक्ति हो, तो फिलहाल इतने अधिकारियों का यहाँ पर जो है वो हेर फेर किया गया है। वहीं पर जो आईपीएस है मयंक श्रीवास्तव, उनको जनसंपर्क विभाग की जो कमान है वो यहाँ पर सौंपी गई है। तो अब फिलहाल एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे जो है वो इसे देखा जा सकता है कि अब जो है वो सहसंचालक जो है वो जनसंपर्क के कहलाएंगे। तो निश्चित ही अब जो कामकाज का जो दौर है वो एक नए सिरे से और नए क्रम से जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जिस तरीके से कल आदेश जारी हुआ है और उसके आज ही से ही जो है वो ये जो नए कामकाज के साथ जो है सभी अधिकारी अपने जो अपनी जिम्मेदारी जो है वो संभालते नजर आएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नेहा आपका इस अहम जानकारी के लिए।